हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइज, आज हम करेंगे एंटोमोलॉजी के कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज विच मे बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स, राइट भाई। ऑफकोर्स जो एग्जामिनर है वो कहीं से कुछ भी उठा कर दे देता है कभी भी, है ना। तो हमारा काम, हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है, पेड क्लासेस में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हमारा काम है प्रैक्टिस करते रहने का। क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे, उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। सो हेलो हंसा, हाउ आर यू एंड वेलकम टू द सेशन। कपिल, वेलकम टू द सेशन। आप दोनों का ही सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, इफ यू हैव नॉट एनरोल इन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, नॉट एनरोल एक्चुअली सब्सक्राइब्ड, है ना। सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7, इसको सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी कोई भी क्लास नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइमली पहुंचे और आप बिना लेट हुए हमारी क्लास में एंटर करें और अपनी क्लास को एंजॉय करें और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय करें। सो गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एंड अगर आपने अभी तक एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, है ना, तो आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अड्डा 24/7 की। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपकी जो भी वीडियोस होती है उनके बीच में लिंक होता है, उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, जिसको आप क्लिक करते ही इस पेज पर जाते हैं जहाँ पर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको लॉग इन करना है और एग्रीकल्चर सेक्शन को चुनना है। ये सारे फीचर्स आपको इस एप्लीकेशन में मिलते हैं। जॉब अलर्ट्स टाइमली मिलेंगे ताकि आप टाइमली फॉर्म फिलिंग शुरू कर सकें। सब्जेक्ट वाइज क्विज मिलेंगी जिनको आप उठते बैठते प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने टाइम मैनेजमेंट बेटर कर सकते हैं, अपनी नॉलेज इन्हांस कर सकते हैं। एंड पावर कैप्सूल्स मिलेंगे जिनको आप रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जितनी भी क्लासेस हैं, पेड क्लासेस हैं, यूट्यूब क्लासेस हैं, है ना, इन सभी का वहाँ पर आपको जो है पेड बैचेस का भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, यूट्यूब क्लासेस का भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। एंड वन मोर फीचर हैज़ बीन एडेड टू योर ऐप एंड दैट इज़ यू कैन गेट कनेक्टेड विद योर फैकल्टी। आप अपनी फैकल्टी के साथ वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून शुभम, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून पालेश्री, आप सभी का सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जी जिंगो, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सो यो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं अपनी क्लास। इफ यू वॉन्ट टू एनरोल इन एग्रीकल्चर महापैक, टूडे इज द लकी डे आई वुड से, और द राइट डे, बिकॉज आपके एग्रीकल्चर महापैक पर है डबल वैलिडिटी एंड 80% ऑफ यूजिंग द कोड Y448A, जहां पर आपको सभी पेड लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड ई बुक्स का जो है एक्सेस मिलता है फॉर होल टू ईयर्स इन जस्ट 6,399। सो डू नॉट फॉरगेट टू यूज Y448A टू एनरोल इन योर पैक। जी बालाजी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस टू लाइम सल्फर वर फर्स्ट नोटिस्ड इन विच इंसेक्ट पेस्ट। किस इंसेक्ट पेस्ट में लाइम सल्फर के खिलाफ रेजिस्टेंस नोट किया गया था? डायमंड बैक मोथ, सिंघाड़ा बीटल, सेंजोस स्केल और माइट्स। यानी कि इन पर पहले ये लाइम सल्फर बड़ा बढ़िया असर कर रहा था, लेकिन एकदम से इन्होंने सोचा कि हम रिवोल्ट करेंगे, हम जीतेंगे, है ना, और इनमें रेजिस्टेंस डेवलप हुआ जिसके कारण ये अब जो है लाइम सल्फर इन पर इफेक्टिव नहीं होता है। शुभम, द ऑफिस इज इन सेक्टर 39 साइबर पार्क। ठीक है, ऑफिस आपका साइबर पार्क में, कभी भी आए और मिले हम लोगों से, राइट। यस, हियर द आंसर इज सैंजोस स्केल। देखिए, रेजिस्टेंस सबसे पहले डायमंड बैक मोथ में डेवलप हुआ था, बट वो लाइम सल्फर नहीं था। लाइम सल्फर सेंजो स्केल पे बड़ा अच्छा काम करता है, लेकिन एकदम से इसमें रेजिस्टेंस आई जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम इस सेंजो स्केल ने क्रिएट की थी। और इसके बाद इसके लिए हमने एक बायोलॉजिकल एजेंट को ढूंढा कि अब
केमिकल काम नहीं कर रहे हैं तो बायोलॉजिकल एजेंट काम करेगा, ठीक है। तो ये वन ऑफ द फॉरमोस्ट इंसेक्ट है जिन पर बायोलॉजिकल एजेंट्स यानी कि बायो कंट्रोल का यूज हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर। इंटरलोक्युलर बरोइंग इन कॉटन इज ड्यू टू इन्फेस्टेशन ऑफ, कॉटन में जो आपकी बॉल्स होते हैं उनमें लॉक्यूल्स होते हैं। इंटरलोक्युलर बरोइंग किस इंसेक्ट की वजह से होती है? पिंक बॉल वॉर्म की वजह से होती है, अमेरिकन बॉल वॉर्म की वजह से होती है, स्पॉटेड बॉल वॉर्म की वजह से होती है, या सेटन स्टेनर की वजह से होती है? जी हंसा, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। इंटरलोक्युलर बरोइंग इन कॉटन इज ड्यू टू इन्फेस्टेशन ऑफ पिंक बॉल वॉर्म, अमेरिकन बॉल वॉर्म, स्पॉटेड बॉल वॉर्म। क्या बात है भाई, आंसर कैसे नहीं आ रहे हैं? एग्जाम थोड़ी ले रही हूं, अक्कड़ बक्कड़ ही खेल लो। द राइट आंसर हियर विल बी ए, पिंक बॉल वॉर्म। पिंक बॉल वॉर्म ही इंटरलोक्युलर स्पेस में जाता है। देखो जो अमेरिकन बॉल वॉर्म है ये है थोड़ा सा आलसी, ठीक है। तो ये तो क्या करते हैं, जैसे ये आपकी बॉल है उसमें अपना सर अंदर घुसाता है और बॉल पर फीड करना शुरू कर देता है, बाकी इसकी बॉडी बॉल से बाहर ही लटक रही होती है। तो ये इंटरलोक्युलर स्पेसेस के बीच ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन पिंक बॉल वॉर्म रहता है उसके अंदर और वो इधर से उधर अपने कपड़े चेंज करते रहता है, ठीक है, कमरे चेंज करता रहता है, ठीक है। द आंसर इज पिंक बॉल वॉर्म ए। Types of reproduction in Bombyx mori is Bombyx mori, silk worm. Silk worm में reproduction किस type का होता है? Ovipari होता है, obligate parthenogenesis होता है, cyclic parthenogenesis होता है, या sporadic parthenogenesis होता है? Parthenogenesis का मतलब है development of embryo without fertilization. Obligatory का मतलब है, ऑब्लिगेटरी का मतलब है कि वो सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस करता है, ठीक है। साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है कि उसकी एक साइकिल है, जैसे कि एक बार सेक्सुअल करना है, एक बार पार्थेनोजेनेसिस करना है, एक बार सेक्सुअल करना है, एक बार पार्थेनोजेनेसिस करना है। स्पोरेटिक का मतलब है कभी कभी पार्थेनोजेनेसिस कर सकता है। सो हियर द राइट आंसर विल बी डी, स्पोरेटिक पार्थेनोजेनेसिस। जनरली तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस करता है, यानी कि ओविपैरिटी राइट आंसर होगा अगर जनरल पूछा जाए, है ना। लेकिन यहाँ पर कभी कभी ये स्पोरेटिक पार्थेनोजेनेसिस भी शो करता है, यानी कि कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड या फ्रेम नहीं है जिसे हम साइक्लिक कह सके, लेकिन बीच बीच में कभी भी ये पार्थेनोजेनेसिस शो करता है। सो द आंसर विल बी डी। पाउडरी ग्रेन्स एंड फाउल स्मेल इज अ कैरेक्टरिस्टिक डैमेज सिम्टम्स बाय विच पेस्ट, किस पेस्ट के कारण आपको जो है जो ग्रेन्स होते हैं वो पाउडरी मास के रूप में मिलते हैं और उनसे गंदी सी एक स्मेल भी आती है? पर्ल्स बिटल, रेड फ्लोर बिटल, इंडियन मील मोथ, या एंग्विमोइस मोथ। पाउडरी ग्रेन एंड फाउल स्मेल ये किस इंसेक्ट के कारण मिलते हैं? पाउडरी ग्रेन एंड फाउल स्मेल किस इंसेक्ट के कारण मिलते हैं? बड़े स्लो आंसर आ रहे हैं भैया आज तो। रेड फ्लोर बिटल, वेरी गुड, है ना, रेड फ्लोर बिटल। तो रेड फ्लोर बिटल आपने यानी कि सुरसरी अपने घर में भी देखी होगी, आटे में होती है, जब तक एक दो होती है तब तक इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन अगर सीवियर इन्फेस्टेशन हो जाता है तो आटे से गंदी स्मेल भी आने लगती है, ठीक है। सो दैट इज योर रेड फ्लोर बिटल। फ्लोरोसेंस ड्राइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक डैमेज सिम्टम प्रोड्यूस्ड बाय, इनफ्लोरोसेंस ड्राइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक डैमेज ऑफ विच इंसेक्ट, यानी कि ये इनफ्लोरोसेंस पर अटैक करता है, फूलों के गुच्छे पर अटैक करता है और वो पूरा सूख जाता है, है ना। ये किसकी वजह से होता है? डायमंड बैक मोथ की वजह से होता है, गॉल मिर्च की वजह से होता है, टी मस्किटो बग की वजह से होता है, या मस्टर्ड सॉ फ्लाई की वजह से होता है? इनफ्लोरोसेंस ड्राइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक डैमेज सिम्टम्स प्रोड्यूस्ड बाय विच इंसेक्ट। द आंसर विल बी टी मस्किटो बग, टी मस्किटो बग, ठीक है। सी
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कल्चरल मेथड यूज्ड टू कंट्रोल रेड हेयरी कैटरपिलर, रेड हेयरी कैटरपिलर के लिए कौन सा कल्चरल मेथड बेटर रहता है? बॉन फायर मेथड, डिगिंग ऑफ ट्रेंचेस, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज? रेड हेयरी कैटरपिलर के कंट्रोल के लिए इनमें से कौन सा कल्चरल मेथड बेटर रहता है? बॉन फायर मेथड, डिगिंग ऑफ ट्रेंचेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज? क्या होगा आंसर? ए, बोन फायर मेथड। ठीक है, जहां लगता है हमें कि ऑल ऑफ द अबव या फिर ए एंड बी आ रहा है, लगा देते हैं। राइट, एक्चुअली इसका आंसर सी ही है ना, दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। ठीक है, सी, बोथ ए एंड बी, सी, ए एंड बी बोथ। ठीक है, डिगिंग ऑफ ट्रेंचेस भी अच्छा काम करता है और बॉन फायर मेथड भी अच्छा काम करता है इनको जो आपके फील होते हैं वहां भगाने के लिए। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी। जी विकास, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मॉल्टिंग फ्लूड कंटेन्स विच एंजाइम? मॉल्टिंग फ्लूड में कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं? काइटिनेस, प्रोटीनेस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज? मॉल्टिंग फ्लूड कंटेन्स विच एंजाइम्स? काइटिनेस, प्रोटीनेस, बोथ ए एंड बी? एंड विकास, एएसआरबी नेट के लिए मैं प्लांट साइंसेस का बैच पढ़ाती हूँ, है ना, मतलब जहाँ पर आपका प्लांट ब्रीडिंग, सीड साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पैथोलॉजी, है ना, तो ये वाला आपका बैच है जो कि शाम को 5 बजे इसकी क्लासेस होती हैं। एंड कंफ्यूज करती हूँ भाई, मेरा काम है कंफ्यूज करना, आपका काम है कॉन्फिडेंट रहना। बट एंटो के लिए कोई स्पेशल बैच मैंने शुरू नहीं किया है अब, बट दीज क्लास विल बी हेल्पफुल फॉर यू। जितने भी मेरी एंटो की क्लासेस हैं, जो एमएससी फाउंडेशन कोर्सेज में मैं ले रही हूँ या फिर यहाँ मैं ले रही हूँ पंजाबी डीओ के अंतर्गत या आईबीपीएस के अंतर्गत, ये सारी एंटोमोलॉजी की क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहेंगी, सो यू कैन वॉच देम। राइट, हियर द राइट आंसर इज अगेन बोथ काइटिनेज एंड प्रोटीनेज, सी। डिफेंसिव सिक्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्निकल्स ऑफ एफिड इज? जो आपके एफिड्स होते हैं इनसे एक डिफेंसिव सिक्रेशन निकलता है जो कि कॉर्निकल्स से निकलता है। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, एलोमोन्स प्रेजेंट होते हैं, माइरिस्टिक एसिड प्रेजेंट होता है या फेरोमोन्स प्रेजेंट होते हैं। एफिड एक सिक्रेशन निकालता है जिसे डिफेंसिव सिक्रेशन कहते हैं, यानी कि उसके डिफेंस मैकेनिज्म में ये सिक्रेशन काम आता है। तो ये कौन सा सिक्रेशन होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड, एलोमोन्स, माइरिस्टिक एसिड और फेरोमोन्स? द राइट आंसर हियर विल बी माइरिस्टिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड, सी। ठीक है, उसका कंपोनेंट पूछा है भाई, क्या होता है उसके अंदर, है ना। फर्स्ट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम वॉज अप्लाइड फॉर विच क्रॉप? पहला इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम किस क्रॉप के लिए आया था? वीट के लिए आया था, कॉटन के लिए आया था, शॉर्गम के लिए आया था या राइस के लिए आया था? फर्स्ट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम वॉज अप्लाइड फॉर विच क्रॉप? वीट, कॉटन, शुगरकेन, राइस? फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम वॉज फिर फॉर विच क्रॉप? ये बिल्कुल सही दिया, राइस। पहला इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट किसके लिए आया है? कॉटन के लिए आया है। वैसे तो देखो तीनों, चारों क्रॉप में इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट अब बहुत फेमस है ना, बट द फर्स्ट इज फॉर राइस, ना, पहला आपका जो है राइस के लिए है। डी, डी इज गिवन बाय आई थिंक आदर्श, आदर्श ने डी दिया है देखो, एंड जिंगो ने ठीक दिया है राइस, बाकी सब ने रॉन्ग आंसर दिया है, वेरी बैड। फिब्रोइन एंड सेरेसिन इन द सिल्क आर प्रेजेंट इन विच रेशियो? फिब्रोइन एंड सेरेसिन जो है सिल्क के दोनों प्रोटीन्स हैं,
फिब्रोइन भी और सेरोसिन भी, ये किस रेशियो में प्रेजेंट होते हैं? 1:1 यानी कि दोनों बराबर होते हैं, 1:2 यानी कि सेरोसिन ज्यादा होता है फिब्रोइन कम होता है, 1:3 या 3:1, क्या होगा आंसर? फिब्रोइन एंड सेरोसिन। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून लीना। देखिए फिब्रोइन एंड सेरोसिन जो है दोनों ही आपके सिल्क के प्रोटीन हैं, और एक्चुअली तो देखिए फिब्रोइन जो है ये आपका 80% होता है और 20% इसमें सेरोसिन होता है ना, 20% इसमें सेरोसिन होता है, 2:4:80 होते हैं, है ना, 2:4:80 होते हैं। तो रेशियो, एग्जैक्ट रेशियो तो ये आना चाहिए, लेकिन ये हमारे पास आंसर में नहीं गिवन है, तो नियरेस्ट क्या गिवन है, ये गिवन है, तो आप इसको जो है करेक्ट आंसर मानेंगे, नियरेस्ट करेक्ट आंसर ये है, ठीक है, तो 3:1 विल बी द राइट आंसर। मोस्ट वल्नरेबल स्टेज ऑफ लोकस्ट एट विच कंट्रोल मेजर्स कैन बी अप्लाइड, लोकस्ट की कौन से स्टेज है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्टेज है? निम्फल स्टेज, एडल्ट स्टेज, प्यूपल स्टेज और एनी ग्रोथ स्टेज। वल्नरेबल स्टेज का मतलब होता है कि उस पर जल्दी से कोई भी केमिकल काम कर जाएगा, वो जल्दी ही मर जाएगा, है ना, वो खुद ही वीक है तो वो जल्दी मर जाएगा। तो लोकस्ट की कौन से स्टेज सबसे वीक है? निम्फल स्टेज यानी कि जब वो इमैच्योर होता है, या फिर जब वो एडल्ट बन चुका होता है, या फिर जब वो प्यूपा स्टेज में होता है, या फिर कोई भी ग्रोथ स्टेज हो। निम्फल स्टेज जब ये निम्फ होता है यानी कि जब ये बच्चा होता है या इमैच्योर होता है, तब ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, तब इसको हमें कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका, मतलब आसान तरीका नहीं कह सकते लेकिन एफिशिएंटली कंट्रोल हो सकता है, ठीक है, सो ए विल बी द राइट आंसर। कार्डेमम केट डिजीज ऑल्सो नोन एज मार्बल मोजेक इज ट्रांसमिटेड बाय, जो कार्डेमम केट डिजीज है ये किस इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट होती है? एफिड्स, थ्रिप्स, माइट्स और मैकेनिकल ट्रांसमिशंस। विकास एंटोमोलॉजी में IBPS AFO के बैच में भी पढ़ा रही हूँ, है ना, और पंजाब एडियो में थोड़ा कम, सबसे ज़्यादा डिटेल आपका MSc एग्रीकल्चर में जो है एंटोमोलॉजी आपको मिलेगा, ठीक है, पर्टिकुलरली कोई बैच नहीं है आपका एंटोमोलॉजी का कि सिर्फ एंटोमोलॉजी जिस बैच में पढ़ा रही हूँ, ऐसा कोई बैच नहीं है अभी। हाँ, आप YouTube क्लासेस में ऑफकोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और IBPS AFO या फिर मास्टर्स जो है एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर फाउंडेशन, उसमें सबसे ज़्यादा डिटेल में आपको एंटोमोलॉजी मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है, यस। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? ए और बी मिक्स चल रहे हैं यहाँ तो, एफिड्स है कि थ्रिप्स है? अच्छा, कपिल आए हैं, वो कह रहे हैं टर्माइट्स है मैम, नो एफिड्स नो थ्रिप्स। कार्डिमम केट डिजीज वेक्टर, मेरा गूगल एक्टिवेट हो गया, देखो पूछ तुमसे रही हूँ, गूगल जवाब दे रहा है, और बहुत सारे फिर कार्डिमम्स के फोटोज भी दिखा दिए हैं इसने मुझे, इलायची ऐसी होती है। पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा यहाँ कहाँ से आ गया, है ना? चलिए, तो यहाँ पर आपका आंसर अगेन आई गेस थ्रिप्स होगा, एफिड्स नहीं होगा, लेकिन इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, इसको मैं चेक करके बताऊंगी, ठीक है, शायद थ्रिप्स होगा, एफिड्स नहीं होगा, बट मैं चेक करके बताऊंगी। चलो नेक्स्ट, मोड ऑफ एक्शन ऑफ नीम, नीम का मोड ऑफ एक्शन क्या है? ओविपोजिशन, डेटरेंट्स है, एंटी फीडिंग इफेक्ट्स है, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। मोड ऑफ एक्शन ऑफ नीम, नीम क्या क्या एक्शन कर सकता है? ओविपोजिशन डिटेरेंट है यानी कि ओविपोजिशन कम करने देता है, एंटी फीडिंग इफेक्ट है ये कम फीड करने देगा प्लांट पर, या फिर इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर है,
एफिड है इसका, पक्का? मुझे पता नहीं क्यों थ्रिप्स लग रहा था, इसलिए मैंने कहा कि मैं श्योर नहीं हूं, बाद में बताऊंगी। चलो तुम्हें इसका आंसर दो, तब तक मैं इसमें सर्च कर लेती हूँ। यस, एफिड ही है, ठीक है, एफिड ही है, राइट। तो यहाँ पर आपका आंसर एफिड ही रहेगा। पता नहीं मुझे थ्रिप्स लग रहा था, मे बी कुछ गलत ध्यान रहा हो। एफिड इज द राइट आंसर। और यहाँ पर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, है ना, यहाँ पर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, डी विल बी द राइट आंसर। द वायरस विच टारगेट इंसेक्ट काइलो इन्फेस्केटेलस इज, ऐसा कौन सा वायरस है जो काइलस इन्फेस्केटेलस पर अटैक करता है? साथ साथ आप मुझे काइलस इन्फेस्केटेलस का कॉमन नाम भी बताएंगे, ठीक है? द ऑप्शंस आर ओरिसिट्स वायरस, या फिर एनपीवी S1 एनपीवी वायरस, या फिर जीवी वायरस ग्रैनुलोसिस वायरस, या फिर HANPV वायरस। काइलस इन्फेस्केटेलिस का कॉमन नाम भी बताना है, और कौन सा वायरस है जो इसको इन्फेक्ट कर सकता है, जिसको हम एज अ बायो कंट्रोल यूज कर सकते हैं फॉर काइलो इन्फेस्केटेलिस, क्या होगा? करण तो देखिए अपना आंसर लॉक भी कर रहे हैं। मैम लॉक कर दीजिए, है ना? यस, द कॉमन नेम इज योर, इट्स मेज शूट बोरर और स्टेम बोरर, या फिर शॉर्गम शूट बोरर, है ना? शॉर्गम पर भी आता है, मेज पर भी आता है, दोनों ही आपके C4 प्लांट्स हैं, है ना? शॉर्गम और मेज दोनों जो भी लिख रहे हैं सही है, बट इट इज नॉट अ शुगर केन बोरर, ये शुगर केन बोरर नहीं है, ठीक है? काइलो इन्फेस्केटेलस इज नॉट अ शुगर केन बोरर, एंड द राइट आंसर इज हेयर सी, जीवी वायरस। रेटिनॉन इज अ डैश पॉइजन, रेटिनॉन एक कैसा पॉइजन है? स्टमक पॉइजन है, कॉन्टैक्ट पॉइजन है, रेस्पिरेटरी पॉइजन है, या डाइजेस्टिव पॉइजन है? यानी कि रेटिनॉन जो है वो कहाँ पर पॉइजन का सही पहुंचना भी जरूरी होता है ना, कि स्टमक में पहुंचकर अफेक्ट कर रहा है, या सिर्फ छूने भर से इफेक्ट कर जाता है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम में अफेक्ट करता है, या डाइजेस्टिव सिस्टम में अफेक्ट करता है, क्या होगा? रेटिनॉन इज डैश पॉइजन। तो रेटिनॉन जो है आपका क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी पॉइजन है, यानी कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में इफेक्ट करता है ना? सांस लेने में इसको जो एंजाइम्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में इंक्लूड होते हैं उन पर इफेक्ट करता है। सो सी विल बी द राइट आंसर, रेस्पिरेशन, है ना? अभी अभी जैसे FCI का पेपर हुआ था, उसमें आपसे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स का पूछा गया था, तो वो नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट करते हैं। हर पॉइजन का अपना एक सिस्टम होता है कि वो किस तरीके से काम करता है, कौन से ऑर्गन्स को डैमेज करता है। सो हियर इट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। अट्रैक्टेंट यूज्ड टू अट्रैक्ट बैक्टोसेरा कुकरबिटेई इज, फ्रूट फ्लाई को अट्रैक्ट करने के लिए कौन से अट्रैक्टेंट का यूज किया जाता है? मिथाइल यूजिनॉल का किया जाता है, कुरकुबिटेसन का किया जाता है, क्यू लेयर का किया जाता है, या बैक्टोरेसिन का किया जाता है? अट्रैक्टेंट यूज्ड टू कंट्रोल फ्रूट फ्लाई, तो जहां भी फ्रूट फ्लाई आता है एक और नाम साथ में हम हमेशा पढ़ते हैं, वो नाम होता है क्यू लेयर। क्यू लेयर इज एक्टिंग एज अट्रैक्टेंट फॉर द फ्रूट फ्लाई, है ना? सो सी जो है आपका यहां पर सही आंसर होगा। डायपोज स्टेज ऑफ राइस स्टेम बोरर, राइस स्टेम बोरर जो है किस स्टेज पर डायपोज लेता है, यानी कि किस स्टेज पर ये रुकता है या अरेस्ट हो जाता है, इसको डायपोज स्टेज कहते हैं। एग, लार्वे, प्यूपा, एडल्ट। राइस स्टेम बोरर, सिरकोफागा इंसर्टुलस, सिरकोफागा इंसर्टुलस किस स्टेज पर डायपोज लेता है? एग, लार्वे, प्यूपा, एडल्ट। सो द आंसर हियर विल बी सी, प्यूपल स्टेज पर,
ठीक है, प्यूपल स्टेज पर ये अटक जाता है, डायपोल स्टेज लेता है, तो सी विल बी द राइट आंसर। भैया देखो, गवर्नमेंट एग्जाम का भरोसा कुछ नहीं होता है, लेकिन देखा जाए तो पंजाब एडीओ मतलब पंजाब गवर्नमेंट सही डायरेक्शन में काम करती है, टाइमली काम करती है, तो काफ़ी टाइम तो आपकी नोटिफिकेशन को हो चुका है, तो 2-3 महीने मुझे लगता है कि और आपका एग्जाम जो है आ जाना चाहिए। सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन, सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? मैसूर, मैसूर, ओके सी। वन बेल ऑफ इंडियन सिल्क इज इक्वल टू, एक बेल में सिल्क के में कितने वजन होता है? 50 किलो, 55 किलो, 60 किलो, 70 किलो। वन बेल ऑफ इंडियन सिल्क इज इक्वल टू, हाँ लैक वाला रांची में है, बिल्कुल सही संजना। वन बेल ऑफ इंडियन सिल्क इज इक्वल टू ए 50 kg, 50 kg सिल्क के एक बेल में सिर्फ 50 किलो होता है, ए। ब्रांच ऑफ एंटोमोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रिकेट्स एंड ग्रास होपर्स, एंटोमोलॉजी की वो ब्रांच जहां पर आप क्रिकेट्स और ग्रास होपर्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्थोप्टोलॉजी, ग्रासोलॉजी, ग्रिगोलॉजी, नन ऑफ द अबव। क्या होगा? ऑर्थोपोलॉजी नहीं सही लग रहा है, ऑर्थोप्टोलॉजी है ना, ग्रिगोलॉजी या ग्रासोलॉजी। तो देखो, ग्रासोलॉजी तो कुछ होता ही नहीं है, सो डोंट गो फॉर द बी, है ना, ग्रासोलॉजी इज नथिंग, राइट। सो ये है द राइट आंसर इज ग्रिगोलॉजी, सी ग्रिगोलॉजी। सो दैट्स इट, आप चाहे तो पंजाब एडीओ के रिकॉर्डेड बैच में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि आपका बैच जो है राइट नाउ कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू वांट टू सी द रिकॉर्डेड वीडियोस फॉर कंप्लीटिंग योर सब्जेक्ट्स, तो आप बिल्कुल इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आज के दिन आपकी 80% ऑफ एंड डबल वैलिडिटी है, Y448A का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड द सिलेबस इन योर पेड बैचेस और you have completed your self studies, go ahead for the test series. Test series आप practice करें, जितना आप test देंगे आपको information better रहेगी, revision better रहेगा, तो आप जो है test series पर focus करना शुरू करें। पंजाब एडियो की test series आपको आपकी application और website दोनों पर मिल जाएगी, जहाँ पर 50 से ज़्यादा इसमें total test आपको मिलते हैं। And अगर session पसंद आया हो तो like और share जो है ज़रूर कीजिएगा, और अगर टेस्ट सीरीज में एनरोल करना है तो एप्लीकेशन के द्वारा एनरोल कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अड्डा 24/7 की साइट से, तो ये आपके ऑल कोर्सेज हैं। ऐसे ही आपको एप्लीकेशन पर भी ऑल कोर्सेज का ऑप्शन मिलता है, उसमें एग्रीकल्चर को चुनेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर हम पंजाब एडीओ को चुनेंगे और पंजाब एडीओ के नीचे आपका यहाँ पर आपका टेस्ट सीरीज आता है। जैसे ही टेस्ट सीरीज पर क्लिक करेंगे, इस टेस्ट सीरीज में यहाँ पर बाय नाउ बटन दबाएंगे, तो यहाँ आपको कोड लगाना है Y448S। जैसे ही Y448S लगाया, यू विल गेट 18% डिस्काउंट ऑन योर टेस्ट सीरीज। और आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड मल्टीपल एग्जाम देते रहते हैं तो आप एग्रीकल्चर महापैक में एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज टुडे इज डबल वैलिडिटी एंड 80% ऑफ ऑन योर एग्रीकल्चर महापैक, राइट। तो इसमें बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, Y448A का इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करेंगे। 6,399 इज द फीस फॉर 2 ईयर्स, जहाँ पर आपको सारे पेड लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलता है। थैंक यू सो मच गाइज, गुड बाय एंड टेक केयर।